हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड पेपल अकाउंट के अंदर फ्रेंड एटीएम कार्ड के बारे में फ्रेंड, जहां से हम लोग मनी को सेंड करते फ्रेंड ऐसे में सबसे पहले हम लोग का पेपल अकाउंट के अंदर एटीएम कार्ड को लिंक करना पड़ता है फ्रेंड। लेकिन यहां पे बहुत टाइप के एटीएम कार्ड होते हैं फ्रेंड, बहुत टाइप फॉर्मेट की, जो कि सभी टाइप की जब मैच करेंगे फ्रेंड तभी एटीएम कार्ड लिंक होते फ्रेंड। ऐसे में लिंक नहीं हो पाते फ्रेंड, एरर आ जाते फ्रेंड। जैसे कि बात करें रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, इस तरह से दो तीन चार कार्ड का नाम होता है कंपनी का, उसके जरिए एटीएम कार्ड लिंक हो पाते फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर जो रुपये कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऐसे में आप लोग पैसे सेंड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कार्ड लिंक नहीं होता, एरर आते फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर फुल सोल्यूशन बताऊँगा फ्रेंड, क्या है क्या कारण है जिसकी वजह से आपका कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, क्या किस वजह से ये इशू आ रहा है फ्रेंड। तो वीडियो कंप्लीट देखना, एक छोटा सा वीडियो होगा बिना टाइम वेस्ट के, चलिए फ्रेंड करते वीडियो को स्टार्ट। और चैनल नहीं है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर फ्रेंड आपको ना पेपल अकाउंट कर लेना लॉगिन। लॉगिन हो जाने के बाद फ्रेंड, भले आपका बिजनेस अकाउंट हो या फिर इंडिविजुअल अकाउंट हो, दोनों में आपका एटीएम कार्ड लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आप मनी को पैसे सेंड करना चाहते हो एक दूसरे पेपल अकाउंट में या फिर इंटरनेशनल आउट ऑफ कंट्री में, या फिर आप पेमेंट को रिसीव करना चाहते हो, तो ओनली बैंक लिंक करेंगे तो आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। लेकिन आप किसी को पैसे भेजना चाहते हो पेपल टू पेपल, तो आपको एटीएम कार्ड लिंक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कार्ड लिंक करने के लिए आपका पेपल अकाउंट का एक बार रिव्यू करके चेक करके देख लेना कि अकाउंट के अंदर किसी टाइप का तो आपका इशू आया हुआ नहीं। अगर आया हुआ रहेगा यहाँ पर तो रेड कलर में शो कर जाएगा नीचे की ओर, तभी आपका बैंक और एटीएम कार्ड लिंक होगा। तब लिंक ए कार्ड और बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, एक बैंक अकाउंट लिंक करने का और एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड लिंक करने का। सबसे पहले कार्ड को लिंक करने के लिए फ्रेंड लिंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक वेब पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा पेपल के। तो यहाँ पे लिखा, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड का यहाँ पे आइकन शो होगा कि आपका जिस भी कंपनी टाइप की कार्ड है वो कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कार्ड किस फॉर्मेट टाइप का है, किस कंपनी का है, यानी कि वो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता। और साथ में यहाँ पे एक्सपायरेशन में आपको जो कार्ड का एक्सपायरी डेट होता है वो यहाँ पे फिल करना पड़ता। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड की जगह आपको यहाँ पे जो भी आपका 2 3 4 5 डिजिट वहाँ पे आपका सिक्योरिटी कोड होगा एटीएम कार्ड की कुछ डिजिट, वो चीज़ें एंटर करना पड़ता है यहाँ पे सिक्योरिटी कोड की जगह। और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए, मेरा ये अल्टरनेट एड्रेस है। तो अभी आपको एटीएम कार्ड इतना चीज़ें फिल करना है। तो चलिए, यहाँ पे जो लिंक करने में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपका वीसा कार्ड है, एटीएम कार्ड में आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग को चेक कर लेना किस कंपनी का एटीएम कार्ड है, उस टाइप की कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ऊपर में डिस्प्ले हो जाएगा वीसा। अगर आपका कार्ड का कंपनी मास्टर है कार्ड, तो यहाँ पे मास्टर कार्ड ऊपर में शो इस टाइप से लोगो आपको दिख जाएगा। अगर डिस्कवर है तो इस टाइप से शो कर जाएगा। अगर यहाँ पे और भी है, यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस, बहुत 4-5 टाइप की है। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम इंडिया कंट्री के अंदर रुपए कार्ड का यूज किया जाता है फ्रेंड, तो ऐसे में रुपए कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे वीसा कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड सारे चीज़ें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रुपए कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं उन यूजर के लिए बता दूँ, जिन भाई के पास रुपए कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप मनी सेंड नहीं कर सकते। जब तक पेपल का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलता, इस जगह पे सेलेक्ट कार्ड के ऑप्शन, जैसे यहाँ पे रुपए कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा इस फीचर, तभी आप यहाँ पे रुपए कार्ड को लिंक कर पाएंगे। नहीं तो आप रुपए कार्ड को लिंक नहीं कर पाएंगे फ्रेंड, ऐसे में आप पेपल टू पेपल मनी सेंड नहीं कर पाएंगे, ओनली रिसीव कर पाएंगे बैंक के थ्रू। तो आपको याद रखना, अगर आपका इस तरह है स्थिति, थोड़ा प्रॉब्लम है और आपका रुपए कार्ड है, तो आपको उस बैंक में जाना है फ्रेंड, जिस भी बैंक से आपने रुपए कार्ड को लिए हैं, यही एक सोल्यूशन है। वहाँ पे जाकर मैनेजर्स को बोलना मेरा जो कार्ड का कंपनी है वो आप चेंज कर दीजिए, कोई अनदर टाइप की कार्ड दे दीजिए, वीसा मास्टर कार्ड, यही एक सोल्यूशन है। आपको अनदर टाइप कंपनी की कार्ड ले लेना है, फिर आपको यहाँ पे आके लिंक कर लेना पेपर के बाद, उसके बाद आसानी से आप यहाँ पे मनी सेंड कर सकते हो इंडिया कंट्री के अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको रुपये कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर कोई अपडेट ऐसा आता बहुत जल्द, तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे टेम्पररी टाइम के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे रुपये कार्ड का ऑप्शन नहीं है पेपल की ओर से, जहाँ पर आप लिंक करने के बाद मनी सेंड कर सकते हो। हाँ, रिसीव कर सकते हो, रिसीव करने आपको बैंक की जरूरत, एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ता, ओनली बैंक अकाउंट लिंक करने का जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रुपए कार्ड का ऑप्शन फिलहाल देखने को नहीं मिलता, तो आप लिंक नहीं कर सकते पेपल अकाउंट के अंदर। अगर वीसा सेलेक्ट करने के बाद कार्ड वर्क करता तो हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे वर्क करेगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता, रुपए कार्ड देखने को यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे 4-5 है, लेकिन रुपए कार्ड का ऑप्शन है नहीं, तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते रुपए कार्ड को लिंक। तो वही एक पैनल आपको रास्ता है, जो कि यहाँ पे आपको कार्ड का कंपनी को चेंज करना, बैंक जाके वहाँ पे आपको डिस्ट्राइब करना और उसको बोल लेना कि मेरा जो कार्ड का कंपनी है रुपए, उसको चेंज करके कोई दूसरा कंपनी का कार्ड आपको ले लेना है रुपए, यहाँ पे वीसा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड, तो अभी आपका यहाँ पे पेपर से लिंक होगा और आप मनी सेंड और रिसीव सारी चीज़ें कर पाएंगे बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद। तो फिर यहाँ पे
जैसे कोई अपडेट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई इशू नहीं है। परंतु यही आप लोग का एक मनी सेंड करने का इशू आ रहा है, जिन यूजर के पास रुपये डेबिट कार्ड है उनके लिए। अगर आपका मास्टर कार्ड है, वीसा कार्ड है, तो आप आसानी से लिंक करने के बाद KYC कंप्लीट कर लेंगे, बैंक लिंक कर लेंगे, तीन स्टेप कंप्लीट करेंगे तो पैसा रिसीव और सेंड आसानी से कर सकते हैं। सारी चीज़ का वीडियो मेरे चैनल के ऑलरेडी बना हुआ है, जाके आप लोगों को देख लेना। अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, परंतु नीचे में जाकर जरूर बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।